दोस्तों अगर बजट लैपटॉप्स की बात किया तो जनरली इतने अच्छे लैपटॉप्स देखने को नहीं मिलते, बट आज हमारे पास है MSI की तरफ से आने वाला मॉडर्न 15 सीरीज और आज हम इसके बारे में बात करने वाले क्योंकि ये आपको अंडर 40,000 के अंदर देखने को आपको मिल जाता है और एक्चुअल में आजकल सेल्स चल रही है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो आप इसको काफी अच्छे प्राइस में खरीद पाओगे क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाने के बाद। तो एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जिस प्राइस के साथ ये आता है क्या आपको लेना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला। तो अगर आपको वीडियो में को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस रेगुलर पे करते रहते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको कुछ MSI की है मॉडर्न सीरीज का बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बॉक्स यहां पे जनरली आप पे ओपन करते हैं तो कुछ इस साइड से हम लोग बॉक्स को यहां पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिल जाता है। तो अंदर हमारे को लैपटॉप देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। और एसेसरीज के बारे में बात कर दें तो इसके अंदर आपको एक पावर कॉर्ड देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो ओपन कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे, जो कि हमको ये एक पावर कॉर्ड देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। वैसे यहाँ पे आपको पेपर वर्क देखने का यहाँ पे काफ़ी सारा देखने को मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे मैं सारा कुछ तो वीडियो के अंदर बताने ही वाला हूँ। और अगर बात करें यहाँ पे आपको ये पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि आपकी 45 वाट की आपकी पावर ब्रिक है। अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में, तो ये हमारा लैपटॉप यहाँ पे देखने को मिल जाता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये आपको काफ़ी सॉफ्ट टच के साथ मेटलिक डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको MSI की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे ये पूरा जो बिल्ड है आपको मेटेलिक के साथ देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अगर आपको ज़्यादा रगेड वगैरह यूज़ करते हो डेफिनेटली आपके लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये जो लैपटॉप 15.6 इंच के साथ आता है तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे इसके अंदर आपको जो हिंज देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है 180 डिग्री, तो आप कुछ देखिए इस टाइप से आप पूरे को ये 180 डिग्री इसको आप मोल्ड कर सकते हो, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। तो वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 180 डिग्री कौन यूज़ करता है, मतलब आप लोग यूज़ करते भी नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, दो USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉक के लिए DC पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे USB 3.2 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप ज़्यादा हैवी सीरीज लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। टाइप सी पोर्ट है और हेडफोन जैक और LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, तो पोर्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये जो मतलब लाइट वेट लैपटॉप है तो ज़्यादा पोर्ट्स बढ़ा देंगे जिसकी वजह से बल्की हो जाएगा, थोड़ा सा बल्की है, बट ये कि आपको अगर लाइट एंड थिन लैपटॉप चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे हिंज के बारे में, तो हिंज की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कितने भी डिग्री में आप मोड़ना चाहो, तो जैसे कि इस फोल्ड में, इस मोल्ड में, इस मोल्ड में, तो लगभग 180 डिग्री के आसपास ये हर एंगल में मोड़ जाता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 1080p जो कि आपको 45% NTSC के साथ आती है, तो कलर्स वगैरह मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे होने वाले हैं। मैंने कंटेंट वगैरह कंज्यूम करके देखा तो एक जो बजट लैपटॉप में जो डिस्प्ले होती है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। हाँ, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो लाइट के अगेंस्ट अगर आप इसको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कि अगर आप एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होती तो एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे बेजल्स के बारे में, हाँ ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा कि MSI को इसमें मॉडर्न लैपटॉप्स अगर इसने सीरीज निकाली तो थोड़ा सा बेजल्स कम होने चाहिए, तो ये जो चीज़ है वो मुझे, क्योंकि अंडर 40,000 ये आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बेस साइड के तो ठीक है, मगर थोड़ा सा ऊपर का और नीचे का चेंज जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ऊपर आपको 720p आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है, इसकी क्वालिटी ठीक है, अगर आपको वीडियो कॉल वगैरह लेना है तो डिसेंट टाइप का आप यूज़ कर पाते हो। अब बात करते हैं आप कीबोर्ड के बारे में, तो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इस जनरली इस प्राइस में बहुत कम ही लैपटॉप्स में आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि आपको सिंगल कलर के साथ आता है, तो बल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक वार्म कलर है, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और कीबोर्ड के साइज़ की बात करें तो कीबोर्ड का साइज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, इसमें आपको नम पैड भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो आपका बढ़ने वाला है। वैसे अगर कीबोर्ड के यहाँ पे टेक्सीबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो सॉफ्ट टच के साथ कीबोर्ड आता है, तो क्लिक मतलब चिकलेट कीबोर्ड तो नहीं है, मगर हाँ आपको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर कीज़ के स्पेस के बीच की बात करें तो हाँ, अगर आप नॉर्मली ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कीज़ स्पेस मुझे थोड़ा सा कम लगा है, बट हाँ अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बात करें
यहाँ पे ट्रैक पैड के बारे में, ट्रैक पैड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहा है। हम लोग जनरली इसको यूज़ कर रहे थे बहुत, मतलब एक दो दिनों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैक पैड की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। रिस्पॉन्स टाइम भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा और गेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये आता है आपका i5 प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिलती है जो कि DDR4 है और 512GB की SSD देखने को मिलती है जो कि NVMe है, और ये जो प्रोसेसर है वो 2.5GHz की आपको यहाँ पे क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर होने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, चलो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अगर आप मल्टीटास्किंग आपको करनी है तो मल्टीटास्किंग में आप कितने भी टैब्स खोल लो, क्योंकि i5 प्रोसेसर है तो यहाँ पे कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मल्टी स्कोर की जो आपको यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप जितने भी टैब्स खोल लो, यहाँ पे रिसेंट में जितने भी ऐप्स खोल लो, कोई भी लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। उन्होंने पर्सनली इसको यूज़ किया है और एक्सपीरियंस जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा गुड मुझे लगा है। अब बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसमें एसफॉल्ट 9 खेल के देखा है, जैसे हम लोग i3 प्रोसेसर में भी एसफॉल्ट 9 खेलते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती है, तो एक्जैक्टली i5 में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली। रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेटेंसी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलती है, और एक्जैक्टली यहाँ पे अगर कीज की बात करें तो कीज की वजह से जो आपको रिस्पॉन्स टाइम और जो आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है गेमिंग में, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे इसके अंदर आप 1080p एडिटिंग भी कर सकते हो, 4K कर सकते हो अगर आप लोग एक ऐसा हैवी यूज़र हो, बट हाँ 1080p आपको काफ़ी स्मूथ ग्राफिक, मतलब यहाँ पे आप एक कलर ग्रेडिंग वगैरह कर दोगे तो वहाँ पे जो आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगा स्मूथ परफॉर्मेंस आप देखने को मिलेगा। 4K में हाँ जिटर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6 देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 है, और अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मल्टीटास्किंग अगर आपको बहुत ज़्यादा आप करते हो तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे आप 4 विंडो एक साथ वगैरह खोल सकते हो, इसमें एडिटर वगैरह आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं ओवरऑल पैकेज के बारे में कि कितनी प्राइसिंग के साथ आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। अगर आप सेल के अकॉर्डिंग 35,000 से 40 के बीच में आप इस लैपटॉप को ले लेते हो तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में i5 के अगर लैपटॉप की बात करें तो अगर आप HP अगर ASUS या डेल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आपको 45 के आसपास आपको ये लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली MSI आपको प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइसिंग के अंदर i5 प्रोसेसर और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पे होने वाली है, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। वैसे आप लोग बताइए आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, इस लैपटॉप के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर आपको इस लैपटॉप को खरीदना है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को आप मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।